वैशाली लोकसभा सीट के लिए नामांकन के पहले दिन आज महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह अपने समर्थकों के साथ समाहरणालय परिसर पहुंचे और जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। महागठबंधन के तरफ से मैं उम्मीदवार हूँ। हमारे प्रस्तावक सभी विधायक साथी मौजूद हैं और व्यापक जन समर्थन है। किसान, मजदूर, नौजवान, गांव के बसे हुए लोग, सब लोग एकजुट हैं कि देश का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है, संविधान का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, ईमान का सवाल है, सभी को बचाना है। इसलिए व्यापक जन समर्थन है, इसमें कोई सामने नहीं टिकेगा जनता की ताकत के सामने। जनबल से लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। कहीं मोदी लहर नहीं है तो मोदी जी का भंडा फूट गया है कि भाई ये बेरोजगारी की समस्या बढ़ी, किसानों की समस्याएं बढ़ी, नौजवानों की समस्याएं, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई का बुरा हाल है, देश की सुरक्षा भी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए मोदी लहर खत्म है और वैशाली में मोदी लहर की भी बात नहीं है। मोदी जी यहाँ के वोटर रहते तो किसको मतदान करते, जो रोज रोज बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के हम खत्म करेंगे, तो भ्रष्टाचार के तरफ वोट करेंगे कि बिना भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार खत्म करने वाले के? धनबल से कैसे निपटिएगा? धनबल से निपटने के लिए धनबल के अहंकार को दिख रहा है, जनबल के संस्कार से ध्वस्त कर दिया जाएगा। चला जाओ। 2019 लोकसभा चुनाव की हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर और बेतिया में चुनाव का महाकवरेज सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर। लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी बनेगी सरकार, चुनाव की बात चाय के साथ सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर।